ता अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक ने ही वजह वास्ते मुकद्दस किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ई मकाम दे उते इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ए कुरान मजीद दा हरूफ मुकत्तआत हैं। और जितने भी मुफसरीन कराम तशरीफ गिन के हैं, जितने कुरान मजीद की तफसीर लिखण वास्ते तशरीफ गिन हैं, और अल्लाह करीम की जाते पाक ने जितने साढ़े उलमाए कराम को, साढ़े असलाफ को, साढ़े मुहद्दिसीन कराम को, साढ़े बुजुर्गों को, साढ़े आइम्मा को, हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार को, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल सरकार को, हज़रत इमाम शाफी सरकार को, हज़रत इमाम मालिक सरकार को, या आपके उस्ताद घराना हज़रत इमाम जाफिर सादिक सरकार को, या आप दा वालिद गरामी हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर सरकार को, या आप दे वालिद गरामी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकार को, या आप दे वालिद गरामी सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अली मुसलाम, या आप दे वालिद गरामी हज़रत सैयदी मौला अली मुश्किल कुशा, हज़रत सैयदी मौला अली मुश्किल कुशा, जिन्हों को अल्लाह करीम दे पाक महबूब मुस्तफ़ा सल्लम की ज़ात अकदस ने तो इतना वड्डा शरफ अता किया है कि सरकार की जाते पाक ने इरशाद फरमाया कि मैं मुहम्मद इल्म दा शहर हाँ और अली उन्हां दा दरवाज़ा है। हुण जेड़े मेरे मुस्तफ़ा करीम दे शहर दा दरवाज़ा हन और खुद आका करीम अलैहिस्सलात तस्लीम की जाते पाक इरशाद बेटे फरमेंदन कि अगर तुसा शहर दा दरवाज़ा देखना चाहते वे ना वल वो अलीजुल मुर्तज़ा है तो कई बंदे आप की खिदमत आर की दा क्या हुजूर वो सिर्फ इल्म दा दरवाज़ा है। तो आपने फरमाया कहना आप हिकमत तवी दरवाज़ा है, आप विलायत तवी दरवाज़ा है। हुण आका करीम अलैहिस्सलात तस्लीम की जाते पाक की बुलंद पाक बारगाह दे विचों जिन्हों को इतना वड्डा कमाल मिला, इतना वड्डा शरफ मिला कि आका करीम अलैहिस्सलात तस्लीम की जाते पाक ने इरशाद फरमाया कि ए इल्म दा दरवाज़ा है और मैं मुहम्मद उन्हां दा शहर। अल्लाह अकबर। तवल आप को भी पूछा गया है हजूर ये दसाओ ये जड़े हरूफ मुकत्ते आत हैं क्या इना तू भी तुसा वाकफियत ही वे और इना तू भी तुसा वाकिफ ही वे और ई इल्म तू भी तुसा बाखबर ही वे। तो हजरत सैयदी मौला अली मुश्किल कुशा सही भी एको जुमला इरशाद फरमाया आपने फरमाया ए कुरान मजीद दा ओ जुज़े ए कुरान मजीद दा ओ मकाम है ए कुरान मजीद दा ओ हिस्सा है वल्लाहु आलम व रसूलहु इन्ना दा इल्म या खुदा कोले या मुहम्मद मुस्तफा कोले। यानी कुरान मजीद दे सारे मकाम तो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की जाते पाक ने कहीं को वाकफियत नहीं दीती और कहीं को अल्लाह करीम की जाते पाक ने तमाम कुरान दे उलूम दोते दस तरस भी कह नहीं दीती। हाँ मुहद्दिसीन कराम इरशाद फरमे दिन, मुफस्सिरीन कराम फरमे दिन, शारहीन हदीस फरमे दिन, मुतरजमीन हजरात फरमे दिन, आप फरमे दिन अगर मजीद तुसा कुरान मजीद दे लफ्सा तो फाकफियत हासिल करना चाहते वे तवल तुसा अगर दामन पकड़ो तो अल्लाह दे पाक महबूब दे गुलामा दे वारसा दा पकड़ो। आपने फरमाया वल आका दी जाते पाक दे वारिस कौन हैं, सरकार दी विरासत ते मालिक कौन हैं, आका दी जाते पाक दी विरासत केंदी मलकियत च केंदी कब्जे च है। तो ओता हदीस रसूल आज भी चमकती खड़ी है, ओता हदीस रसूल आज भी अपनी खूब ताबियानिया दे नाल आका दी उम्मत तक खुशबू बिखरे दी खड़ी है। आपने फरमाया अगर आका करीम दी जाते पाक दे तुसा वारिस देखना चाहते वे तो अल उलमा ओ वारसतुल अंबिया ए जितने उलमा होंदे ने ए नबियां दे वारिस होंदे। अल्लाह अकबर। हुण आका करीम अलैहिस्सलात तस्लीम दी जाते पाक ने सिर्फ लफ्ज एक इस्तेमाल किते मगर ही लफ्ज उते थोड़ा जिहा गौर करूँ चा ना कि अल उलमा ये जड़े उलमा लोग होंदे ने इन्हां दा जड़ा गिरोह होंदे इन्हां दी जड़ी जमात होंदी है या ये जड़े मुख्तलिफ मकातिब विचों पढ़ के आंदे ने मुख्तलिफ मदारिस विचों पढ़ के आंदे ने मुख्तलिफ तगो दो करके आंदे ने मुख्तलिफ उलूम को हासिल करते आंदे ने और वल जेले इल्म हासिल करते अपने मदारिस च पाते अपन टडियां पाते अपन सफा फुड़िया पाते और जेले वेले पढ़ावन वास्ते पाते वल उन्होंने मूँह बिचू लफ्स नहीं निकलते उन्होंने मूँह के बिचू खुशबू निकलती हत्ता के वल जिमें जिमें ज्यादा बुलेंदे रासन लोगों के दिलों को मुल गिनते रासन और लोगों के दिलों को खरीद करेंदे रासन और उन्होंने खरीद कर करके
कई आम मंडिये च कहना विचे सन, उन्हां दी मंडिये च जेदा सौदा थी सी ओ मंडी मुहम्मद दे मदीने दी हो सी। तो आपने फरमाई जड़े ओलामा दा गिरो है, हुण देखो ना ओलामा दा गिरो जिन्हां को असां बाज दफा अहमियत देने हैं, बाज दफा असां उन्हां को अहमियत ही नहीं देंदे, सरेके चाका जा, बाज दफा असां उन्हां को लिख दे ही नहीं, बाज दफा असां उन्हां दा आखा ही कह नहीं से मने दे। मगर अल्लाह दी जाते पाक ने फरमाया ए तां दुनिया दे अंदर तुहाडे अंदर रहंदा है, तुहाडे विच रहंदा है, तुहाडे कोल रहंदा है, कई दा खूनी रिश्ता भी हो सी, कई दा रूहानी रिश्ता भी हो सी, हत्ता के कई दा कोई खानदानी रिश्ता भी हो सी, तुसां इहो अहमियत ना दित्ती है। मगर क्यामत दा मैदान आवण दिओ, वल मैं खुदा दसेसा ये जड़े तड़ियां ते बैते पढ़ावण वाले हन दुनिया दे अंदर दा तुसां इहनां को हकीर समझा है, अज मैदान क्यामत च देखो मैं इहनां दी शान बुलंद किवें करेना।